जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं खुशी हयारण। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। सभी देशवासी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हम लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के वंशज भी काश इस दुनिया में होना चाहिए थे। हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा ही गांव है जहां के लोग यह दावा करते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। और इस गांव की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और यहां के लोग कभी दूध को बेचते नहीं बल्कि यह जरूरतमंद लोगों को दूध दान करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ जन्माष्टमी के दिन होता है बल्कि साल के 365 दिनों में दूध जानवरों से जो होता है प्राप्त होता है वह बेचा नहीं जाता बल्कि वह जरूरतमंदों को दान किया जाता है। यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इस गांव की एक और बड़ी खासियत है जहां हमारे देश को जोड़े रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों के साथ साथ जो मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं वे भी दूध को बेचते नहीं हैं, इस दूध को जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। इस प्रकार से यह विशेष बात जहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द और देश में एक अनूठी एकता की मिसाल बन रहे हैं। जहाँ हमारे देश में आजकल कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खोदने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर यह अनूठी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि यह केवल जन्माष्टमी के दिन होता है, यह पूरे वर्ष भर यहाँ पर ऐसा ही चलता है। इस गांव में 90% लोगों के पास गाय भैंस बकरी आदि दुधारू पशु हैं। यहाँ पर गांव में दूध काफी मात्रा में होता है परंतु फिर भी इसे बेचा नहीं जाता। यह बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर लोग बेचने की जगह उसको दान करते हैं और उनका मानना है कि वह श्री कृष्ण के वंशज हैं और वह कभी दूध नहीं बेच सकते। एक बार श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं किसी का भाग्य बनाता नहीं, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। श्री कृष्ण की इस बात का सही अर्थ महाराष्ट्र में हिंगोली जिले के एक गांव ने समझा। वह खुद को श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं। वह दूध बेचते नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों को मुफ्त में देते हैं। महाराष्ट्र के अनेक किसानों और नेताओं ने इसी महीने दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और सड़कों पर दूध फैलाया तक गया था। वहीं येले गांव गांवले के लोगों ने कभी दूध नहीं बेचा। वहां हर घर में दुधारू मवेशी हैं। गांव में कम से कम 90% घरों में गाय भैंस बकरी समेत अन्य मवेशी हैं। यहां दूध नहीं बेचने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। वहाँ के लोगों द्वारा बताया गया है कि जब ज़्यादा दूध हो जाता है तो विभिन्न दुग्ध उत्पाद बनाए जाते हैं लेकिन किसी को भी बेचा नहीं जाता और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में बांटा जाता है। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि गांव का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर किसी अन्य धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, कोई भी अपने मवेशी का दूध नहीं बेचता। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें।